तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप सब कैसे हैं? गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल ब्लॉग बनने वाला है। गाइस आज मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा हनुमान मंदिर का, जो कि हमारे एरिया के बहुत ही फेमस मंदिर है। गाइस जो कि बिलमनवा गांव में स्थित है, जो कि हमारे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से 17 किलोमीटर पर लगभग है, वो जो कि NH 28 के सामने ही जस्ट है। गाइस आज का मैं सोचा हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो आज का ब्लॉग शूट कर लिया जाए और आपको दर्शन भी करा दिया जाए उस मंदिर का। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको ये ब्लॉग। गाइस ए बड़ी दीदी और अंजलि, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। तो गाइस आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं मंदिर, यही है हनुमान मंदिर, जो कि बिलमनवा गांव में स्थित है, जो गोपालगंज अपर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गाइस यह मंदिर इतना इसका हाइट है कि इस हाइट को लेकर एयरपोर्ट वालों ने इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिए थे इसके हाइट को लेकर। तो गाइस ये मंदिर काफ़ी फेमस है, अगर आप जब कभी भी अपर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आए तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति अपना अगर मन्नत लेके आता है तो उसका मन्नत जरूर पूरा होता है। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद आप जरूर एक बार दर्शन करें इस मंदिर का। तो हम ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आप वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। तो गाइस मंदिर के साइड में ही यहाँ पे पूजा का सामान सब मिलता है, आप यहाँ से पूजा का सामान ले सकते हैं। हम लोग पूजा सामान ले लिए हैं और चलते हैं मंदिर में पूजा करते हैं, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। Oh
है सेकंड फ्लोर, हम लोग ऊपर आए हुए हैं और आप ऊपर से देख रहे हैं इसका नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई दे रहा है। हम लोग मंदिर का राउंड लगा रहे हैं। तो अंजलि से पूछते हैं कि अंजलि को यहाँ पे आगे कैसा लग रहा है। हाय गाइस, मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ आके बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, सब कुछ बहुत श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक है और पूरा खाली खाली पूरा खेत है पूरा चारों बगल। कैसे मंदिर ऐसा बनाया गया है कि जो दर्शालु हैं जो भी उनको आकर्षित कर लेता है, जो भी व्यक्ति आते हैं यहाँ पे उनका मन एकदम भावुक हो देता है मंदिर के प्रति और काफ़ी आनंद लेते हैं यहाँ आने के बाद। तो गाइस, आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पे आएँ। अगर बिहार आते हैं, अगर कोई हमारे गोपालगंज के निवासी हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर पहुँचें, एक बार इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। कि सच में गाइस काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पर आके, हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी पूजा हो गया है और हम लोग जा रहे हैं, आए हैं सेकंड फ्लोर पर, अपने हम नीचे फ्लोर पर जाके रील शूट करने के लिए आते हैं। कितने लोग जो कि इधर आप देख रहे हैं मंदिर के साइड में कुछ पार्किंग जैसा है। गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं। तो गाइस अभी तक का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।